देखिए, रक्षा मंत्री जी ने बड़े विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, रफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को